कि वो अपना लिखित स्टेटमेंट यहां पर पढ़ रहे थे तो कह रहे थे 113 घटनाएं घटित हुई, लेकिन जब वो मौखिक बोल रहे थे तो कह रहे थे 600 से अधिक घटनाएं घटित हुई। क्या सत्य है यह? मुझे लगता पूरा देश जानता है। 26 मई को श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने शपथ ग्रहण किया था और इस देश के अंदर इस सरकार के आने के बाद आम जनता में विश्वास बहाली हुई और देखा जा सकता है शासन में प्रशासन में। ये आंकड़े जो माननीय खड़के जी यहां पर कह रहे थे मैं उसके पीछे लेके चलता हूं और मुझे लगता है कि अगर ये आंकड़े वास्तव में स्वीकार करेंगे और सचमुच इस देश की सांप्रदायिक हिंसा से लोग चिंतित हैं तो सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने जो घोषणाएं की हैं पूरे देश से इनको माफी मांगनी पड़ेगी। महोदय 2011 में न जिन प्रदेशों की घटनाओं की मैं जिक्र कर रहा हूं न वहां पर और न केंद्र में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन इस देश में 580 घटनाएं घटित हुई, 91 लोग मारे गए और 1899 घायल हुए। इनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर 84 घटनाएं घटित हुई, 12 लोग मारे गए और 347 2011 में घायल हुए थे। दूसरे पर राजस्थान, दूसरे पर प्लीज प्लीज खड़के जी आप सुन तो लें, आपने जो कहा है डोंट प्रोवोक कर दे लेट हिम टेलीफोनिकली आप सुन लीजिए ना। फंस गए डिबेट में आके फंस गए महोदय। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जिसमें 88 घटनाएं घटित हुई, इसमें कांग्रेस नेतृत्व की सरकार घटित हुई 15 मारे गए। तीसरे पर कर्नाटक, ये भी कांग्रेस की सरकार यहां पर है, इसमें 70 घटनाएं घटित हुई और उसके बाद केरल में 30 घटनाएं घटित हुई, 2011 की बात कर रहा हूं। 2012 में 668 घटनाएं घटित हुई, 94 की मौतें हुई और 2117 घायल हुए। 2013 में केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व की ही सरकार थी और 823 से अधिक सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं पूरे देश के अंदर घटित हुई। यद्यपि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्य सरकार की जैसी मंशा होती है, वहां का राजनीतिक नेतृत्व जैसे होता है, वहां का प्रशासन उसी प्रकार की कार्रवाई करता है। मुझे लगता है ईमानदारी से इन लोगों ने विश्लेषण किया होता और अपनी केंद्र सरकार और अपने या अपने से जुड़े हुए अपने सहयोगी दलों के द्वारा जो संचालित सरकारें हैं उन सरकारों के सांप्रदायिक एजेंडे पर ध्यान दिया होता। ये पोलराइजेशन आखिर हो क्यों रहा है? पोलराइजेशन के कारण क्या है? मुझे लगता है वह पोलराइजेशन के पीछे के कारणों को ईमानदारी से हम विश्लेषण करेंगे तो मुझे लगता है एक तरफ आप कहते हैं हम सेकुलर हैं और दूसरी तरफ एजेंडा जो लागू करते हैं उसको सांप्रदायिक रूप से कॉमनल आधार पर लागू करते हैं। इस देश में 12 लाख से अधिक साधु संत और पुजारी रहते हैं लेकिन ये लोग इमामों के लिए वेतन की घोषणा करते हैं, एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं। क्या ये सेकुलर एजेंडा है? दिल्ली की सरकार ने किया, पश्चिमी बंगाल की सरकार ने किया, महाराष्ट्र की सरकार ने किया, क्या यही सेकुलर एजेंडा है? सांप्रदायिक आधार पर ये लोग बांटते हैं समाज को। और महोदय उसी प्रकार से इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, वहां पर जो योजनाएं हैं उसमें 20% मुस्लिम आबादी के लिए आरक्षित कर दिया गया,
कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर गांव गांव में विवाद खड़ा करके 300 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित किया जाता है, गांव गांव में उसके माध्यम से विवाद खड़ा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, किसी भी अन्य उपासना विधि के नाम पर, मदरसों के नाम पर या मजारों के नाम पर कब्जा न मत करने दो। लेकिन उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर धड़ल्ले से काम चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि शासन की ये मंशा है, इसलिए प्रशासन उसमें बोलता नहीं। क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होगा? उसी प्रकार से उससे भी खतरनाक स्थिति, आतंकवादियों पर दायर मुकदमे वापस लिए जाते हैं, आतंकवादियों पर दायर मुकदमे वापस लिए जाते हैं। इस देश में जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, जिन लोगों ने राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती दी है, जो लोग लगातार भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं और देश में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों पर दायर मुकदमे, चाहे वह राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले का मामला हो या संकट मोचन मंदिर काशी में, सीआरपीएफ कैंप रामपुर का मामला हो या गोरखपुर के सीरियर ब्लास्ट का मामला, रघुनाथ मंदिर ये जितने भी मामले हैं, इन सभी मामलों में जिन आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वोट बैंक के लिए उन मुकदमों को वापस लेने का उचित प्रयास किया। न्यायालय अगर बीच में नहीं होता तो संभवतः अब तक वे आतंकवादी बाहर छूट करके पुनः नरसंहार कर रहे होते, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर और प्रदेश के अंदर हुआ है। और उसके बाद भी ये कहते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा बनी रहे। महोदय, चर्चा का विषय होना चाहिए कि आखिर सांप्रदायिक कौन है, कौन है सांप्रदायिक, कौन सांप्रदायिक है। और मुझे लगता है इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। महोदय, जो हम लोगों ने जाना है, जो हम लोगों ने समझा है, इस सांप्रदायिक वह होता है जो कहता है कि मेरा इष्ट या मेरा देव या मेरा पैगंबर ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके मानने वालों को तो जीवित रहने का अधिकार है, शेष को नहीं। मुझे लगता है वह सांप्रदायिक है। हिंदू जीवन दर्शन कभी इस बात की इजाजत नहीं देता। हमने किण्वंतो विश्वारम्भ का संदेश दिया था, हमने सर्वे भुंत सुखिना का संदेश दिया था, हमने तो इस देश के अंदर एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति की बात कही है, जियो और जीने दो, पर विश्वास हमारा दर्शन करता है। और दुनिया की कौन सा मजहब और कौन सा ऐसी कौम है जिसको विपरीत परिस्थितियों में सिंधु दर्शन ने अपने यहां शरण न दी हो, उसको फलने फूलने का अवसर न दिया हो, कौन सा ऐसा है दुनिया के अंदर। लेकिन आज जिस हिंदू दर्शन को, जिस हिंदू दर्शन ने सबको शरण दी, सबको फलने फूलने का भरपूर अवसर दिया, आज जब उसी के खिलाफ षड्यंत्र होना प्रारंभ होता है तो उसे एकजुट होना तो पड़ेगा ही। और मुझे लगता है इन लोगों के कर्मों का फल है कि पूरे देश का हिंदू जनमानस आज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि उसके खिलाफ आज शासन तंत्र से जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसका जवाब अपने स्तर पर देना ही पड़ेगा। और आज वही स्थिति सामने आई है। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, जब भारत का मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, महोदय जब हज यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी पहचान तब भारतीय के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी नाम पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है उसकी पहचान हिंदू नाम पर होती है, उसकी पहचान भारतीय पाकिस्तानी या बांग्लादेश के नाम पर नहीं। लेकिन अगर उसी हिंदू पहचान को हम इनके ऊपर यहां पर लागू करने का प्रयास करते हैं, इनको बुरा लगता है। हिंदू सांप्रदायिकता नहीं, हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है। और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक सिंधुत्व को बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। और इसलिए महोदय, मैं आप सबके आपके माध्यम से एक बार कहना चाहता हूं, महोदय एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर भारत को समझना है
अगर भारत को समझना है, बैठ गए आप, तो बात करते हैं महोदय। उन्होंने कहा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो हमें भारतीय अस्मिता को पहचानना पड़ेगा, और भारतीय अस्मिता को पहचानना है तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जान लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो मैं हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद तो सांप्रदायिक नहीं थे, स्वामी विवेकानंद तो किसी पार्टी के नहीं थे, स्वामी विवेकानंद ने तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था पूरी दुनिया के अंदर। और दुनिया के अंदर जो हिंदू आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी सहिष्णुता के लिए पहचाना जाता था, आज उस हिंदू के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वह कश्मीर से विस्थापित होता है, उसे कश्मीर से निकाला जाता है। एक भी बार इस सदन में चर्चा नहीं होती है, इन लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से 3.5 लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं, तब ये लोग नहीं बोलते। पिछले 2012 में असम के अंदर 3 महीनों तक बोडो जनजाति के लोगों को मारा जाता रहा, कोई नहीं बोला। महोदय कोई नहीं बोला। जम्मू कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के मारने पर कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, एक भी बार ये लोग बोले नहीं, इनको पीड़ा नहीं हुई। दुनिया के अंदर ये अपने आप में बिरला उदाहरण था जहां पर अपने ही देश में अपने ही जानने वाले लोग विस्थापित होकर के खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। उस शर्मनाक घटना की निंदा एक भी बार इन लोगों ने नहीं की। मुंबई के दंगों पर ये लोग मौन रहे, जमशेदपुर और भागलपुर के दंगे कांग्रेस के समय हुए थे, एक भी बार इन लोगों ने उस पर चिंता व्यक्त नहीं की। और तो और 1984 में इस देश के अंदर जिन सिख गुरुओं का योगदान इस देश को बचाने और इस देश की धर्म और संस्कृति और इस देश के समाज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण थी, उन सिखों के कत्लेआम पर भी इनको शर्म महसूस नहीं होती है। और आज लोग इस देश के अंदर बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की, इनका पूरा चेहरा सांप्रदायिक हिंसा से रंगा हुआ है, सांप्रदायिक एजेंडे से रंगा हुआ है। और इसीलिए बंधु मोदी